तो फ्रेंड हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि जो आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हो वो आप कैसे पता कर सकते हो कि मेरा वीडियो ऐसे इस वीडियो को वायरल होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको ऐसे जो ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हो कि मेरे आगे जाके ये वीडियो वायरल होगा, इस पे अच्छा खासा व्यूज आएगा या सर्च लिस्ट में आएगा, कैसे आप पता कर सकते हो। तो मैं आपको 100% जो ट्रिक है वो आपको हर वीडियो में वर्क करता है, हर चैनल पर वर्क करता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड कि ये मेरा चैनल है एपी का टेक्निकल। अगर आप यूट्यूब का टिप्स और ट्रिक जानना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और मैं फ्रेंड एमपी का टेक्निकल में भी यूट्यूब का टिप्स और ट्रिक देते रहता हूँ। तो ये चैनल मैं नया स्टार्ट किया हूँ, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, और जो हमारे वीडियो में रेगुलर रहेंगे उसको मैं चैनल को भी आगे जाकर इस चैनल से प्रमोट कर दूंगा और उस चैनल से भी प्रमोट करूंगा। सिर्फ आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो कोड आपको देगा उस कोड को आपको कॉमेंट में कर देना होगा, और मेरा जब भी वीडियो आए उस वीडियो को फुल वॉच कर लेना है। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे जाकर आपका वीडियो वायरल होगा या नहीं होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कोई एक वीडियो ले लेता हूं कि जो आपका वीडियो वायरल होना होता है तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका वीडियो वायरल होगा या नहीं होगा। तो यहां पे मैं एक वीडियो ले लेता हूं कि करीबन यह बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो करीबन 1 लाख से ऊपर व्यूज है, मतलब 1,38,000 ऐसा करके इस पर व्यूज आया हुआ है। लेकिन ये जल्दी में फ़िलहाल में ये वीडियो ऐसे सर्च में आने लगा है, जिसके बाद इस पर वीडियो पर 1 लाख व्यूज आ गया है, क्योंकि बहुत पहले ये वीडियो पर करीबन आज 2 महीना पहले करीबन 2K ही व्यूज था, लेकिन अब फिलहाल में ये सर्च में आने लगा, इसके वजह से व्यूज बढ़ा। लेकिन व्यूज बढ़ने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, और आपका वीडियो सर्च में कैसे आएगा। तो सिंपल से गो टू एनालिटिक पे क्लिक करना, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे, तो फ्रेंड नीचे में आप लोग देख सकते हो ऑडियंस रिटेंशन आपको दिख रहा होगा। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन यहाँ पे ज़्यादा होता है तो अब आपका वीडियो 100% से आपको सर्च में आने से कोई भी नहीं रोकेगा। उसके बाद आपका यूट्यूब वीडियो सजेस्टेड में भी आएगा और आपको अदर फ्यूचर में भी आएगा और सर्च में भी आएगा, जिसके बाद आपका वीडियो वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं ऑडियंस रिटेंशन आखिर कितना आपको परसेंटेज होना चाहिए। तो फ्रेंड अगर आपका वीडियो का एवरेज ड्यूरेशन अगर आपका 40 से ऊपर है, यानी कहने के बाद आपका जो भी वीडियो अपलोड की हो उसके एवरेज ड्यूरेशन 40 से ऊपर है, तो आपका वीडियो जल्द ही आपका सर्च में आने लगेगा। उसके बाद आपको सर्च में तो आएगा ही आएगा, साथ में अदर फीचर में भी आएगा और ब्राउजर फीचर में भी आएगा और सजेस्टेड में भी आएगा। जैसे इन तीनों में आपका आने लगेगा तो आपका वीडियो वायरल होने से कोई भी नहीं रुकेगा। उसके बाद आपका जो इंप्रेशन है वो भी आपका इंप्रेशन है बहुत तेजी से आपको बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इंप्रेशन किस तरह से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करीबन पीछे बहुत पहले यहाँ पे देखे नीचे से एकदम धीरे धीरे करके ऊपर इंप्रेशन ऐसे बढ़े जा रहे हैं यहाँ पे। तो इंप्रेशन बढ़ने का रीजन यही फ्रेंड के जब आपका वीडियो का एवरेज ड्यूरेशन सही हो जाएगा तो आपका यूट्यूब वाला खुद ही आपका इंप्रेशन बढ़ा देता है। जब आपका इंप्रेशन बढ़ेगा तो सारे लोगों को यूट्यूब वीडियो पर जो सर्च करते हैं उनके पास जाएगा, नहीं तो उनका डिस्प्ले पर भी शो करता है। जैसे बहुत सारे लोग स्क्रोल करते हैं तो उनका आपका वीडियो ऐसे आपका शो होने लगेगा, तो जैसे वो क्लिक करेंगे एक क्लिक करके देखना स्टार्ट करेंगे तो वो आपका इंप्रेशन ऐसे आपका बढ़ जाएगा। इस तरह से आपका वीडियो जितना ज़्यादा इंप्रेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको सर्च में आएगा, सबके साथ डिस्प्ले में आएगा और आपको सजेस्टेड में भी आपको दिखने लगेगा। तो फ्रेंड आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो पर तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना फ्रेंड, क्योंकि लाइक करने से मेरे दोस्त आप लोगों को कुछ भी नहीं जाता, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड आई होप आप लोग जान गए होंगे कि आगे जाकर वीडियो आपको वायरल होगा या नहीं होगा, तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे फ्रेंड। तो आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूट्यूब का टिप्स और ट्रिक इस चैनल पे मैं हमेशा देते रहूंगा। अगर आपको कोई भी यूट्यूब का टिप्स और ट्रिक जानना चाहते हो तो बेझिझक मुझे कॉमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप एमपी का टेक्निकल से जुड़ना चाहते हो तो उस चैनल पे जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूट्यूब का टिप्स और ट्रिक दोनों चैनल पे देता हूँ और उस चैनल से आपका चैनल भी प्रमोट कर दूंगा। तो सिर्फ आपको एक कोड दिखा होगा, उस कोड को आपको कमेंट कर देना होगा। तब तक के लिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।